हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि मैंने बनाया है स्पॉन्ज केक, जैसा कि रेड केक है, जैसा कि ये जो स्पॉन्ज मैंने बनाया है प्रेमिक्स से बनाया है प्लस वेरी कंपनी का। तो जैसा कि ये जैसा कि मैंने वनीला स्पॉन्ज में ही मैंने टमाटो रेड कलर ऐड किया है, तो बहुत सॉफ्टी बहुत मज़ेदार है। आप देख सकते हैं, जैसा कि मैं इसको फ्लश करता हूँ तो ऑटोमेटिक ही निकल जाता है, तो ईजी आप इसको बना सकेंगे। जैसा कि मैं ऑलरेडी इसका रेसिपी आप किसी से मिले दूंगा, जैसा कि मैंने इसका तो नहीं बनाया है वीडियो, तो ऑलरेडी मैं यही सेम टू सेम रेसिपी, जैसा कि मैंने वनीला स्पॉन्ज और पिस्ता स्पॉन्ज बनाया है, जैसा कि सेम टू सेम रेसिपी है, तो उसका लिंक मैं आपको रेसिपी दे दूंगा, सेम टू सेम ही होगा जिसका इसका रेसिपी। तो चलो आप उसको देखें तो फॉलो करें तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि मैं प्रेमिक्स से बनाता हूँ, बहुत अच्छा है, बहुत सॉफ्टी है, बहुत मज़ेदार रहता है। इसमें हमको एडिशन में एसेंस या कोई हमको डालने की जरूरत नहीं है, तो बहुत सॉफ्टी रहता है ये केक। तो चलो चलते हैं, सबसे हम उसको कटिंग करके देखते हैं। अच्छा, कटिंग करते हैं पहले ऊपर में। जैसे कि अभी मैंने इसको ओवन से निकाला है, फर्श है, नया है, बहुत गर्म ही है, तो ज़्यादा ठंडा नहीं हो गया है, तो एक दिन के बाद थोड़ा सॉफ्टनेस में और थोड़ी कमी हो जाएगी। इसी तरह इसको आप जब नया बना के खाते हैं तो टेस्ट तो बहुत अलग ही आएगा, बहुत मज़ा भी आएगा। तो उसको निकालते हैं, सेट करते हैं वापस। जैसा कि मैं इसमें बनाने वाला हूँ रेड वैन जो केक, जैसा कि चॉकलेट वेनिला दो मिक्स होगा, तो उसका रेसिपी मैं बनाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ। तो देख सकते हैं वापस, बहुत सॉफ्ट है गाइस, फोल्ड किया तो भी फूटता टूटता नहीं है, सेम जो फोल्ड करता हूँ तो ऐसे ही सॉफ्ट है। चलो हम अब इसको बनाते हैं। जैसे कि एक तो रेड हो गया, अब हम इसमें ऐड करने वाले हैं चॉकलेट केक। जैसा कि ऑलरेडी मैं इसको पहले बना चुका हूँ चॉकलेट केक को, ये जो बनाया नया है फर्श केक है। तो चलो चलते हैं गाइस, फिर ब्लैक फॉरेस्ट लेते हैं चॉकलेट केक। जैसा कि ऐसे बना के रखने से केक सॉफ्ट रहता है, जैसा कि आप ओपन करके रखने से केक हार्ड हो जाता है और सूख भी जाता है। जैसा कि आप ऐसे ही फिल करके रखें, लेमिनेशन बना के रखें केक को प्लास्टिक से, तो अच्छा रहेगा, बहुत सॉफ्ट रहेगा, बहुत मज़ेदार भी रहेगा, तो ज़्यादा हार्ड नहीं होगा। तो चॉकलेट करते हैं, अब इसको भी कटिंग करते हैं हम चॉकलेट केक को भी। ये तो बहुत सॉफ्ट है, ये तो कल का बनाया हुआ है, और जो रेड जो बनाया है मैंने आज ही बनाया है, तो उसका वीडियो नहीं बनाया, लेकिन उसका सेम टू सेम रेसिपी तो मैंने वनीला केक से बनाया है, तो वही सेम टू सेम होगा उसका रेसिपी। जो हम इसको दोनों को मिक्स करके बनाने वाले हैं केक को, जैसा कि रेड वैन जो होगा, जैसा कि टॉपिंग में स्पाइडरमैन का थीम होगा, स्पाइडरमैन का। इसमें क्या क्या ऐड करते हैं मैं आपको सब कुछ बता दूंगा, ज़्यादा कुछ ऐड करने की ज़रूरत ही नहीं, सिंपल ही है। तो डालते हैं शुगर सिरप, जैसा कि ऑलरेडी मैंने बना के रखा है। इसमें डालते हैं क्रीम, जैसा कि ऑलरेडी मैंने बना के रखा है। तो जैसा कि एक रेड वेलवेट नहीं है, मैंने सिर्फ वनीला स्पॉन्ज में टमाटो कट कलर ऐड किया है, वही है। आप समझते होंगे रेड वेलवेट क्या क्या नहीं है, तो मैंने सिर्फ वनीला स्पॉन्ज में टमाटो कट कलर ऐड किया है, तो अच्छा कट दिख रहा है हमको। ओके, तो हम इसमें डालते हैं वाइट चॉकलेट गनाश। ऑलरेडी मैंने वीडियो बहुत बना चुका हूँ चॉकलेट गनाश के, उसका मैं वीडियो का लिंक आप डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको देखे फॉलो करें। इसमें डालते हैं चॉकलेट, डार्क चॉकलेट। ऑलरेडी गनाश का वीडियो मैं बना चुका हूँ, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको देख के फॉलो करें, इजीली बना भी सकेंगे। इस केक का दाम है 1900 है, 1900 है, चॉकलेट फ्लेवर में आएगा ये सब क्यों सब कुछ। उसको रखते हैं इसके ऊपर। चलो गाइस, ये तो रेडी हो गया है, अब हम उसको टेबल स्टैंड पे रख के क्रीम लगाते हैं इसके ऊपर, तो हम उसको उठा के इसके ऊपर रखते हैं। चलो फट हम इसको लगाते हैं क्रीम, जैसा कि ऑलरेडी मैंने क्रीम बना के रखा है पिंक क्रीम।
अब रही बात साइड में डिज़ाइन करने की, जैसा कि क्रीम ज़्यादा होगा तो निकल जाएगा, जिससे आप फिनिशिंग करते हैं तो साइड में, या आप नाइफ से भी कर सकते हैं इजीली। तो मैं इसी करने वाला डिज़ाइन जो मिल जाता है, इसका दाम ज़्यादा नहीं है, 30-40 में मिल जाता है। इसको डिज़ाइन करने के बहुत से डिज़ाइनिंग करने के बहुत से तरीके हैं, एक छोटा एक बड़ा सब कुछ मिला के इसमें। तो हम इस पर लगाते हैं स्क्रैप, जैसा कि आपके डिज़ाइनर की नाइफ से भी कर सकते हैं, आपके पास ऐसा वाला होगा तो भी। इसका दाम ज़्यादा नहीं, इसका दाम आपको 30-40 रुपीज़ में मिल जाता है। आप नहीं ये आपके पास ये नहीं है तो आप स्केल से भी या नाइफ से भी कर सकते हैं डिज़ाइन सेट को। इसका करने का रीज़न ये है कि जैसा कि जहाँ पर ज़्यादा क्रीम हो जाएगा तो वो निकल जाएगा और सबके एक लेवल में आ जाएगा। इसी तरह उसको हम उसको डिज़ाइनिंग करते हैं, जैसा ज़्यादा क्रीम होगा तो निकल जाएगा, सब एक ही लेवल में आ जाएगा। तो ऑलरेडी हमारा केक रेडी हो गया है। अब हम इसमें डालते हैं चॉकलेट, मतलब रेड चॉकलेट, जैसे गनाश है वाइट चॉकलेट गनाश, इसमें मैं डालने वाला हूँ टमाटो ऐड कर। तो सबसे पहले हम इसको सेट करते हैं, इसके बाद हम बनाएंगे गनाश, वाइट चॉकलेट गनाश। चलो फ्रेंड, हम डालते हैं व्हिपिंग क्रीम 500 ग्राम, जैसा कि 500 ग्राम क्रीम होगा तो 500 ग्राम चॉकलेट भी होगा। तो उसको पहले मैं वेट करता हूँ। चलो फ्रेंड, ऑलरेडी मैंने 500 ग्राम क्रीम लिया है, तो हम उसको ऑन करते हैं। बस हमको थोड़ा सा हल्का सा बॉईल करना है, बस इतना ही है। अब चाहे उसको डबल बॉईल भी कर सकते हैं इजीली। आपके पास ये चूल्हा नहीं है तो आप गैस में बना सकते हैं। गैस में बनाना है तो आप डबल बॉईल करें, अच्छा होगा, बेटर होगा डबल बॉईल। चलो गाइस, ऑलरेडी हमारा क्रीम बॉईल हो गया है हल्का सा, तो उसको ऑफ करते हैं। तो हम इसको साइड में रखते हैं सबसे पहले। तो हम इसमें डालते हैं चॉकलेट, जैसा कि मैं चॉकलेट यूज करता हूँ क्रीम चॉकलेट, आप देख सकते हैं तो बहुत अच्छा है। तो हर गनाश में या गार्निशिंग के लिए बहुत अच्छा है चॉकलेट, हो सकते हैं यूज कर सकते हैं। तो इसका दाम थोड़ा ज़्यादा है, तो आप इसमें डालते हैं तो छोटा छोटा पीस करके डालें तो जल्दी मेल्ट हो जाएगा। बस हमको इसमें डाल के सिर्फ मिक्स करना है, फॉइल करना है, तो ऑटोमेटिक वो मेल्ट हो जाएगा। तो एक दो या एक मिनट के लिए इसको सही से फॉइल करते रहें, बस हो जाएगा। चलो फ्रेंड, ऑलरेडी ये हमारा गनाश रेडी हो गया है, वाइट चॉकलेट गनाश। इसी तरह आप ब्लैक भी बना सकते हैं, ब्लैक चॉकलेट डार्क चॉकलेट गनाश, और उसी तरह मिल्क चॉकलेट गनाश, सब इसी तरह बना सकेंगे इजीली। चलो फ्रेंड, अब हम इसमें डालते हैं टमाटो रेड कलर, मिक्स करते हैं। सबसे पहले थोड़ा हल्का सा चॉकलेट लें, टमाटो रेड कलर आप देख सकते हैं, फूड कलर है, टमाटो रेड कलर लिखा है, तो इसको मैं हल्का सा डालूंगा तो अच्छा कलर भी आ जाएगा इसको। चलो फ्रेंड, ऑलरेडी मैंने स्पॉन्ज को यही एक लिक्विड यूज किया है टमाटो रेड कलर, आप स्पॉन्ज में यही कलर डाल सकते हैं इजीली, तो अच्छा कलर दिख जाएगा स्पॉन्ज के अंदर। तो हम इसको जैसे मिक्स करते हैं हल्का सा, और यह देख सकते हैं जैसा कि ज़्यादा से ज़्यादा से मैं चॉकलेट यूज करता हूँ स्पाइडरमैन केक के लिए, जैसा कि टमाटो चॉकलेट में मैंने टमाटो रेड कलर यूज करता हूँ। चलो फिर हम केक के ऊपर डालते हैं इसको, तो स्पाइडरमैन थीम है तो ऐड होना चाहिए।
चलो फिर हम उसको रखते हैं बेस पर, तो उसके बाद हम इस पर स्पाइडरमैन रखेंगे इसके ऊपर। चलो फिर हम इस पर बनाते हैं स्पाइडरमैन का लाइन, जैसा कि ब्लैक में होगा। मैंने इसमें लाइन किया है, ये चॉकलेट है, डार्क चॉकलेट गनाश है, तो उसको मैं यूज किया हूँ। चलो फिर हल्का सा हम इसमें लाइटली ब्लू कलर लगाते हैं साइड में, जैसा कि मैंने व्हिपिंग क्रीम में मैंने जस्ट लाइट ब्लू कलर इसमें मिक्स किया है, ऐड किया है, तो जैसा कि ब्लू कलर है तो आप। तो हमारा लास्ट फाइनली होगा डिजाइन जो है इस पैटर्न में, तो आप इसको इसके ऊपर से ले सकते हैं, यही तो जा। चलो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगे लाइक करना ना भूले, सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू सो मच, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, जैसे कि मैं रेसिपी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको देख के फॉलो करें। थैंक यू सो मच, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।